जब भी हम YouTube पर आते हैं तो एक नई उम्मीद के साथ आते हैं कि हम YouTube पर खूब मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। इसके लिए हम जी जान लगा देते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं YouTube पर मेहनत करने की। और बहुत से लोग मैंने देखा है बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, 6-6 महीने, साल भर, 2 साल मेहनत करते हैं, बट उनको सक्सेस नहीं मिलती है तो वो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये चीज मैं भी जब से टैग चैनल पर आई हूँ, मतलब YouTube के बारे में मैंने सिखाना स्टार्ट किया है, तब से मैंने इसको फील किया है। ठीक है, पहले मैं किचन में थी, रसोई में, तो मुझे इतना ज्यादा मतलब असर नहीं पड़ता था, बट जब से मैं इस चैनल पर आई हूँ तो मैं आप लोगों को ये सब देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होने लगा है कि YouTube को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको प्रमोट जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं तो जितना पॉसिबल होता है कर देती हूँ हेल्प आपकी, बट एक YouTube पर एक लोग और हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। आप वहां जाएंगे तो आपकी हेल्प होगी और आपका जो चैनल है वो भी प्रमोट होगा। तो आप जानते होंगे टैग ऐश्वर्या चैनल को, ठीक है, उनका मैंने रिसेंटली इंटरव्यू भी लिया था। तो वो टैग में काफी लंबे समय से काम कर रही हैं, मुझे तो अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, बट वो काफी पहले से काम कर रही हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों के लिए फील किया वैसा ही ऐश्वर्या ने भी आप लोगों के लिए फील किया। उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमें आपकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग अपने अपने हिसाब से मदद कर सकते हैं। अगर हम ऐसे मदद करने को बैठे तो बहुत लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, कहाँ तक करें। तो बट उसने भी सोचा कि हम कुछ ऐसा नया करते हैं जिससे आप लोगों की मदद हो सके। तो इसको देखते हुए उसने एक नई चैनल क्रिएट की है, द बिग चांस। ठीक है, इस चैनल में उसने एक नई सोच निकाली है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उससे काफी खुश भी हुई, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं जो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं वो वहां जाएंगे तो उनको मदद मिलेगी। तो उस चैनल में उसने क्या सोचा है कि जो यूट्यूबर्स काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, ठीक, उनकी एक स्ट्रगल की कहानी है, बहुत परेशान है वो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत दुखी हैं अपने लाइफ से, बहुत परेशान हो चुके हैं, आर्थिक तनाव है, किसी को मानसिक तनाव है, कोई शारीरिक रूप से परेशान है, फिर भी YouTube पर काम कर रहा है और सक्सेस नहीं मिल रही है। तो ऐसे लोगों के लिए ऐश्वर्या ने ये नई चैनल क्रिएट की है जिसका नाम है द बिग चांस। तो द बिग चांस चैनल में ऐश्वर्या ऐसे लोगों को ला रही है जो पूरी तरह से टूटे हुए हैं, जिनकी कोई स्ट्रगल की कहानी है और वो सुनाना चाहते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं वो ज्यादातर उन क्रिएटर्स को बुलाते हैं जो पहले से सक्सेस हैं, उनकी कहानी लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो असफल लोग हैं, अनसक्सेसफुल हैं, उनकी कहानी को लोगों तक पहुंचाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ऐश्वर्या की ये पहल बहुत अच्छी है, ये जो चैनल है इसमें वो ऐसे लोगों को प्रमोट करेगी जो यूट्यूब पर लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं है। अब आपको करना क्या होगा बता देती हूँ। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हो द बिग चांस। वहां पर आप जाइए तो उसके अबाउट सेक्शन में एक मेल आईडी दी गई है, आपको उस मेल आईडी पर जाना है और उस मेल आईडी पर आपको कॉन्टेक्ट करना है। वहां पर जब आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो आपको वहां पर अपनी स्ट्रगल की जो स्टोरी है वो आपको बतानी होगी, फिर उस स्टोरी की आपको वहीं घर बैठे ही एक वीडियो बनानी होगी। ठीक है, अगर उसको लगता है कि सच में आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपके जीवन में सच में परेशानी है, स्ट्रगल है, आप बहुत समय से लंबे समय से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वो वीडियो आपकी वो अपने चैनल पर डालेगी, ठीक है, अपलोड करेगी, ठीक है, और उस वीडियो के जितने व्यूज आएंगे वो शेयर भी करेगी अपनी चैनल की कम्युनिटी पर। तो जितने उसके व्यूज आएंगे तो वो लोग आपकी चैनल पर भी जंप करेंगे, जिससे आपके चैनल को बूस्ट मिलेगी, आपके वीडियो को बूस्ट मिलेगी और आपके चैनल प्रमोट होगा। तो ये काफी अच्छा चांस है आपके लिए अपनी स्टोरी को सुनाना सोशल मीडिया में, ताकि आप भी जल्दी से सक्सेस हो सके। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, आप जरूर जा करके चैनल पर जाएं और मेल आईडी के थ्रू अपनी कहानी को वहां तक पहुंचाएं, आपकी जो वीडियो है वो भी द बिग चांस में पहुंच सके और लोगों तक पहुंचेगी, तो जाहिर सी बात है आप भी प्रमोट होंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, थैंक यू।